अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज़ जैस्मिन। आज रेगुलर रेसिपी से हटकर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है अपने समर बारबेक्यू का, जिसमें हमने बनाया है सीख कबाब, तंदूरी चिकन और कश्मीरी तुज, जो कि एक बारबेक्यूड मीट डिश है। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल वीकेंड हियर इन कैनेडा, और अभी कहीं जाना आना होता नहीं है क्वारंटीन की वजह से, तो फिर हमने सोचा कुछ बैकयार्ड में ही फन कर लेते हैं। बारबेक्यू की तैयारी हमने एक दिन पहले की थी, क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतनी ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो सबसे पहले हमने मैरिनेट किया है तंदूरी चिकन। उसके लिए हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून। फिर हमने डाला है 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून लिया है दही। फिर हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस और 1 से 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो दैट्स इट, मैरिनेट इज रेडी फॉर तंदूरी चिकन। यहाँ पर हमने लिया है 5 चिकन लेग पीस, जिसको हम तंदूरी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैरिनेट बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। अब हम एक एक करके चिकन लेग पीस को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मेक श्योर किया है कि हमने कट्स में मसाला ऐड किया है, ताकि टेस्ट बिल्कुल अंदर तक चली जाए। बस इसी तरीके से सारे पीसेस को हम मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे अगले दिन तक। बस अब मैं हैंड ओवर कर रही हूँ शफात को, जो मैरिनेट करेंगे कश्मीरी तुज, जिसके लिए हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट लगभग 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और नींबू का रस 1 टेबल स्पून। आगे हमने लिया है 1/4 टीस्पून व्हीट टेंडराइजर। अगर आपके पास मीट टेंडराइजर नहीं है तो आप रॉ पपैया पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने लिया है यहाँ पर दही लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तुझ के लिए हमने लिया है बोनलेस मीट लगभग 1/2 केजी। अब हम मीट पीसेस को डालेंगे मैरिनेट में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको ये मेक श्योर करना है कि ईच एंड एवरी पीस इज नाइसली कवर्ड विद मसाला। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको अब कवर कर लेंगे और फ्रिज में रखेंगे। ग्रिलिंग के लिए हमने इस बार बाहर से बारबेक्यू सॉस नहीं लाया है, बल्कि हमने घर पर बनाया है, जो कि अमेजिंग फ्लेवर देता है आपके बारबेक्यू को। तो चलिए देखते हैं बारबेक्यू सॉस कैसे बनाया है। बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है चिली सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। नींबू का रस ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और सिरका ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। फिर हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो हमने लिया है 5 से 6 टेबल स्पून। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा बारबेक्यू सॉस रेडी हो गया है। ये सॉस जनरली यूज़ किया जाता है कश्मीरी तुज्जी के लिए, पर आज हम ओवरऑल सारे ग्रिलिंग के लिए ये यूज़ करेंगे।
आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिंपल सा सॉस इतने मज़ेदार फ्लेवर ऐड करता है बारबेक्यू में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे हम तैयारी करते हैं सीख कबाब की। इसके लिए मसाले कुछ इस तरीके से है। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हमने ली है 1/2 टीस्पून, हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ईच, 1 हरी मिर्च ली है जिसको छोटा छोटा कट किया है, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा लिया है और चॉप पुदीना लिया है, कीमा हमने लिया है 1 पाउंड। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसको नाइसली मिक्स कर लेंगे। सीख कबाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फैट हो, वरना कबाब बहुत ड्राई बनते हैं। तो यहाँ पर हमने लीन मीट यूज़ किया है, इसलिए हम ऊपर से ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। अगर आपने लीन मीट नहीं यूज़ किया है तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम कवर करके फ्रिज में रख लेंगे। तो चलिए अब हमारी सारी तैयारियाँ हो गई है, अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगले दिन। Alhamdulillah, it's such a beautiful sunny day today and there is no chance of rain, so our plan is on. So we are so excited. This is our marinated meat. Our barbecue is getting ready for the grill. सबसे पहले हम लगाएंगे चिकन। ऑयल स्प्रे करेंगे ताकि चिकन स्टिक ना हो जाए ट्रे पर। साथ ही साथ अब हम लगाएंगे सीख कबाब। देखिए कितनी खूबसूरती से शफाज सीख कबाब बना रहे हैं। He is really good at it, I must say. अब हम इस पर लगाएंगे हमारा स्पेशल बारबेक्यू सॉस। ये सॉस बहुत अच्छे एडेड फ्लेवर्स देगा बारबेक्यू को, और इसकी वजह से ये जो सीख कबाब है या चिकन है ये बहुत मॉइस्ट भी रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। So our seekh kebabs are now ready and chicken as well. Oh, देखिए ये कितना juicy और yummy दिख रहा है। This looks so perfect. Look at the kebabs. Wow. चलिए अब आगे बनाते हैं हम कश्मीरी तुज। एक एक करके सारे पीसेस को हम सीख में सेट कर लेंगे। ऑयल स्प्रे करेंगे ताकि वो चिपके ना।
बीच में हम इसमें ब्रश करेंगे बारबेक्यू सॉस। लगभग हमने 2-3 बार ब्रश किया है। देखिए, जूसी कश्मीरी तुज इज नाउ रेडी। ये बहुत टेंडर है और बहुत मजेदार है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हमने ये अपना वीकेंड स्पेशल बनाया है एंड वी हैड सो मच फन टुडे। उम्मीद है कि आपको ये हमारा बारबेक्यू वीकेंड स्पेशल वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।